भले आपके चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम है। हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है तो प्रसन्न मुझको भी कर लीजिए। मांगता हूं जो वरदान, वो वरदान हमको दीजिए। बोलो, मैं 6 मास तक सोता रहूं और 1 दिन के लिए जाऊं। जो मत ऐसा ही होगा, तुम 6 महीने सोओगे और 1 दिन जाऊं। नहीं नहीं पितामह, मुझसे तो भूल हो गई। भूल गए तो भूल गए, जाओ दोबारा मैं तपस्या कर रहा हूं। ठीक है ब्रह्मदेव, प्रणाम। आयुष्मान कल्याण। देव ही दरवास मुन कहे पुत्र भगवान, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराम। पुत्र विभीषण, आंखें खोलो और मुझसे वरदान प्राप्त करो। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो प्रसन्न चित मुझको कीजिए। मांगता हूँ प्रभु के चरणों की भक्ति, वो प्रदान मुझको कीजिए। पुत्र, तुम परमात्मा के प्रिय, तुम्हें ईश्वर की भक्ति दी जाती। जाओ। ठीक है पिता माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान कल्याण हो तुम। ये लकड़ी आंखें खोल और वरदान प्राप्त कर। पितामह की चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। पितामह जी, और तो मैं कुछ नहीं चाहती, मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि आपने इन राक्षसों को वरदान देकर के बलवान बना दिए हैं, इनका विनाश हो तो मुझे सबसे पहले विदित हो। लकड़ी, जब तू एक बार में कुछ का सिद्धांति पर गिर जाए, तेरे मुख से उतर जाए। अब मैं नहीं आऊंगा, तू ही आएगा। तुझे आना है, वरदान लेना है तो ले, नहीं तो तू आएगा, हम नहीं आएंगे तेरे। जाए बाबा जी, और क्या करो। युद्ध के टाइम हम मरे पड़े हो, जब लड़ाई का समय हो तो कृपा हाँ, और भोजन भंडार तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, अरे यार अभी ताजे में रहे तो भोजन तैयार। ये बात सही है। कहा जब देश का